चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी, इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई मैं इंतजार कितने दिन करूंगा, मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब कमजोर वंचित शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं के हो, नौजवानों के, किसानों के हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने काफ़ी समय पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवाद, जिस तरह कांग्रेस से कई नेता टूटे हैं उसी तरह समाजवादी से भी कई नेता अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे। इसी क्रम में मंत्री दारा सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी में, आपकी बात एकदम सही। देखिए हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो बात मैं कहता हूँ डंके की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ वो आपके सामने रहा और इस नाते हम कोई भी चीज़ बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए अब इंतजार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में, जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दया शंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशवदेव मौर्या जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ भी आंकड़ा अभी जाहिर हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायक जो नेता है उनके हटने का, या कोई एक नंबर हो कि कितने लोग हट सकते हैं, या कोई एक और नाम हो? देखिए हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतज़ार करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि समय का इंतज़ार करते रहिए, सब ठीक होगा।